अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए व्हाट नेक्स्ट चैनल को। सब्सक्राइब करने के लिए मोबाइल यूजर्स व्हाट नेक्स्ट चैनल पे जाए और वहाँ पे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करे और फिर बेल आइकन को दबाए, और डेस्कटॉप यूजर्स यूट्यूब में व्हाट नेक्स्ट चैनल पे जाए, वहाँ सब्सक्राइब बटन को क्लिक करे, फिर सेंड मी नोटिफिकेशंस को चेक करके सेव कर दे और चैनल में आने वाले सभी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस पाते रहे। हेलो दोस्तों, मैं विभास, आपका स्वागत करता हूँ व्हाट नेक्स्ट पे। आज हम लोग जिस स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे वो लॉन्च हुआ है आसुस कंपनी की तरफ से। आसुस ने एक साथ दो स्मार्टफोनों को मार्केट पे लॉन्च कर दिया है जिनका नाम है आसुस ज़ेनफोन 4 और आसुस ज़ेनफोन 4 प्रो। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आसुस ज़ेनफोन 4 प्रो को लेकर, और आसुस ज़ेनफोन 4 का जो वीडियो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। Asus ZenFone 4 Pro में जो डिस्प्ले दिया गया है वो 5.5 इंच का फुल HD AMOLED डिस्प्ले है। ग्लास प्रोटेक्शन के लिए इस फोन में दिया गया है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास। प्रोसेसर जो इस फोन में दिया गया है वह क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 835 का एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर। ग्राफिक परफॉर्मेंस के लिए इस फोन में GPU दिया गया है एडिनो 540 का। अगर मेमोरी को देख लिया जाए तो इस फोन में दिया गया है 6GB का रैम और इंटरनल स्टोरेज इस फोन का है 64GB का, और आप इस कैपेसिटी को एक्सपेंड कर सकते हैं 2TB तक एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड के साथ। फोन के अगर कैमरा को देख लिया जाए तो फोन में जो रियर कैमरा दिया गया है वो एक डुअल लेंस कैमरा है जिसमें एक लेंस 12 मेगापिक्सल का और एक लेंस 16 मेगापिक्सल का दिया गया है, और फ्रंट में इस फोन में एक 8 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है। कैमरा फीचर्स में आपको इस फोन में जो मिलेगा वो है HDR, ब्यूटी मोड, लो लाइट, पैनोरामा, GIF, टाइम लैप्स, स्लो मोशन जैसे बहुत सारे फीचर्स। फोन के कैमराओं के साथ आप 4K अल्ट्रा HD वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। रियर कैमरे के साथ ही LED फ्लैश भी दिया गया है इस फोन में। अगर फोन के बैटरी को देख लिया जाए तो फोन में दिया गया है 3600 mAh का लिथियम आयन बैटरी। इसके अलावा इस फोन में दिया गया है 3 नॉइस कैंसिलेशन माइक। इस फोन में जो सेंसर्स दिया गया है वो है एक्सेलेरोमीटर, ई कॉम्पस, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एम्बियंट लाइट सेंसर, RGB सेंसर, लेजर सेंसर, और इसके अलावा इस फोन में लाइव फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। सिम स्लॉट की अगर बात करें तो इस फोन में आपको मिलेगा डुअल सिम स्लॉट का फैसिलिटी जिसमें आप दो नैनो सिम यूज कर सकते हैं। कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो इस फोन में दिया गया है 4G LTE का कनेक्टिविटी। इसके अलावा इस फोन में Wi-Fi, ब्लूटूथ 5 और NFC का कनेक्टिविटी भी दिया गया है। फोन में जो OS दिया गया है वो है Android 7 Nougat का, जिसके ऊपर यूजर इंटरफेस दिया गया है Asus Zen UI 4 का। अगर फोन के कलर की बात करें तो फोन आपको मिलेगा मूनलाइट व्हाइट और प्योर ब्लैक ये दोनों वेरिएंट में। इस फोन का प्राइस अभी तक Asus ने डिस्क्लोज नहीं किया है, बहुत ही जल्द कुछ ही दिनों में Asus इस फोन का प्राइस डिटेल्स भी अवेलेबल कर देगा, लेकिन फोन के स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से ये लगता है कि इस फोन का प्राइस थोड़ा ज्यादा ही रहेगा। अगर इस फोन के बेस्ट फीचर्स को लेकर बात करें तो सबसे पहला चीज जो इस फोन में बेस्ट नजर आता है वो है इसका डिस्प्ले। इस फोन में डिस्प्ले दिया गया है 5.5 इंच का फुल HD डिस्प्ले। दूसरा है इस फोन का प्रोसेसर। इस फोन में प्रोसेसर दिया गया है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 835 का एक प्रोसेसर। तीसरा है इस फोन का मेमोरी। इस फोन में रैम दिया गया है 6GB का और आप एक्सटर्नल मेमोरी इसमें यूज कर सकते हैं 2TB तक। चौथा है इस फोन का कैमरा। इस फोन में रियर में डुअल लेंस कैमरा दिया गया है जिसमें एक लेंस 12 मेगापिक्सल का और एक लेंस 16 मेगापिक्सल का दिया गया है। और पांचवा है इस फोन का बैटरी। इस फोन में बैटरी दिया गया है 3600 mAh का। ये सारी चीज इस फोन को बेस्ट बनाता है। और अगर इस फोन के वर्स्ट फीचर्स को देख लिया जाए तो इस फोन में ज्यादा कुछ वर्स्ट नहीं नजर आता है। फोन का जो स्पेसिफिकेशंस है वो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन इसका वर्स्ट पॉइंट एक हो सकता है इसका प्राइस। अगर इस फोन का प्राइस बहुत ही ज्यादा होगा तो वो एक वर्स्ट फैक्टर हो सकता है इस फोन के हिसाब से। तो दोस्तों, ये था स्पेसिफिकेशंस ऑफ Asus ZenFone 4 Pro का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, कमेंट ऑन दिस वीडियो, और प्लीज अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और फ्यूचर में अगर आप ऐसे ही वीडियोस के और अपडेट्स पाना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें व्हाट नेक्स्ट को, मैं आपको अपडेट्स देता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।